गुड आफ्टरनून एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस, किसी बच्चे का कुछ डाउट है उसको आज हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है? यस, क्या नाम है? हर्ष, यस बताइए। वैन न्यूमैन मॉडल, वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर, यस सर। और किसी को कोई डाउट है टॉपिक में? आपने क्या बोला? प्रोटोकॉल। और किसी को कुछ पूछना है किसी टॉपिक में? किसी को डाउट है? पैकेट के बारे में, यस। और कोई स्टूडेंट किसी को भी? ट्रांसमिशन लॉ। कौन है ट्रांसमिशन? क्या नाम है आपका? सो बेसिकली ट्रांसमिशन बोर्ड है ना, प्रोटोकॉल, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और एक आपने क्या बोला, पैकेट क्या होगा, ठीक है? चलिए तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में, देखो वॉन न्यूमैन ने 1945 में एक आर्किटेक्चर दिया था। आर्किटेक्चर इन द सेंस जो ब्लॉक डायग्राम है ना, कि जो जनरल जो कंप्यूटर आप यूज करते हो उस कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स आपको सिस्टम में होने चाहिए जिसके बेस पे आप कंप्यूटर यूज कर सकते हो, उसी को कहते हैं हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। उसी के अकॉर्डिंग बताया गया था कि आपके सिस्टम में इनपुट डिवाइस होना चाहिए, एक प्रोसेसिंग डिवाइस होना चाहिए, और एक आउटपुट डिवाइस होना चाहिए, उसके अलावा एक मेमोरी डिवाइस होना चाहिए। तो उसने ही बताया कि जो आपका सीयू होता है यानी सीपीयू होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके अंदर भी क्या होंगे, फर्दर तीन कंपोनेंट्स होंगे। वो कौन कौन से होंगे? सीयू, एएलयू और एक एमयू। इसी आर्किटेक्चर को यानी इसी आर्किटेक्चर को जितने भी सिस्टम आप देखते हो, चाहे मेरे पास लैपटॉप हो या आपके पास कंप्यूटर हो या किसी भी कंपनी के आप लैपटॉप कंप्यूटर को देखोगे, वो सब में यही सिस्टम होते हैं। सब में प्रोसेसर होगा ही होगा, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस होगा सब में। हर एक प्रोसेसर के अंदर आपके तीन पार्ट होंगे, सीयू होंगे और एएलयू होगा और क्या होगा, एमयू होगा, जो कि रैम कहते हैं। तो इसके अलावा इनपुट डिवाइस भी वहां पे होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, इसीलिए उसको हम कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो कि जिस आर्किटेक्चर को बेस पे कंप्यूटर्स को डिजाइन किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? कंप्यूटर डिजाइन किया था या प्रोग्राम बनाया? उसी के बेस पे जो कंप्यूटर्स आप देखते हो जो डिजाइन किए जाते हैं उसी आर्किटेक्चर के बेस पे, यस। जैसे आपने एटम्स का सुना होगा ना, एटम्स के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना क्या दिया था, मॉडल दिया, यस सर। बट जब प्रूफ होता है तो क्या होता है, उस पे बहुत सारे फॉल्स हो गए, यस। लास्ट वन लिस्ट फॉर मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, वो आपका जो फेमस है कि एटम के अंदर जो एक न्यूक्लिया होगा, उस न्यूक्लिया के चारों ऑर्बिट्स होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं और हर एक ऑर्बिट में जो है स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ऐसा आपने देखा। तो जिसको इसको सेटिस्फाई कौन करता है? निल्स बोर सेटिस्फाई करता है, उसने ही ये आर्किटेक्चर दिया था, इसीलिए उसको हम निल्स बोर आर्किटेक्चर कहते हैं या मॉडल कहते हैं। तो वैसे ही सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए है ना, जैसे इनपुट डिवाइस होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस होना चाहिए, इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, प्रोसेसिंग में क्या होगा फर्दर, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होना चाहिए। जैसे ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर करो आपके ह्यूमन ब्रेन में इनपुट डिवाइस है, आपके बॉडी में भी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस भी है। ब्रेन की बात करते हैं तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस है ना आपके, yes, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या स्टोरेज है, yes, धाबी है। तो जो सीपीयू आपका प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, कंपेयर करो, इसलिए सीपीयू को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहते हैं सीपीयू? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंपेयर करो ना, क्या वहां पे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है क्या? तो वो भी तो कंट्रोलिंग करता, yes, है ना। जैसे मैं इसको कितने फोर्स से उठा को यहाँ से रिप्लेस करूंगा, यस, इसके लिए भी अमाउंट ऑफ पैसा लगता होगा, फोर्स लगता होगा, है ना, यस। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये कौन डिसाइड करता है, हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि इसको यहाँ से रिमूव रिप्लेस करके यहाँ ले जाना है या इसको साइड करना है, कितना फोर्स लगाएंगे ताकि ये मोबाइल हमारा सेफ रहे, सेफली मतलब उसको रिप्लेस करना, ये कौन डिसाइड करता है। बट वही चीज मान लो आपको क्रिकेट खेलना होता है, आप गेंद को कितने फोर्स, जितना ज्यादा हो सकता है फोर्स से आप लगाते हो, तो वहां पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, वहां पे आप चार बल जितना वो आगे जाएंगे, जितना फोर्स सबसे उससे आप लगाते हो, ऐसा करते हो तो वहां भी तो कंट्रोलिंग होता है ना, कौन करता है ये आपका ब्रेन करता है। इसीलिए उसी आर्किटेक्चर को हम क्या कहते हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसके बेस पे आपके सिस्टम्स को डिजाइन किया जाता है। कोई दिक्कत और कोई डाउट किसी को? यस, नेक्स्ट पॉइंट वाज व्हाट?
प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज व्हाट? सेटअप रूल्स। क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स? मतलब सेटअप रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है? सेटअप रूल्स। सेटअप रूल्स मतलब क्या? कि जैसे ट्रैफिक रूल बात करते हैं, ट्रैफिक रूल बताओ क्या वो भी सेटअप रूल है या नहीं है? क्यों यूज करते हैं हम लोग? सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि एक्सीडेंट ना हो, यही ना? उसको हम लोग कहते हैं ट्रैफिक रूल। तो वहां भी कुछ प्रोटोकॉल है ना, कि आपको हमेशा लेफ्ट से चलना है, अपने लेन में चलना है, एक और गोइंग होता है, इनकमिंग, ऐसा कुछ लेन होता है वहां पे, दो लेन वाले देखते हैं। तो ऐसा जो सिस्टम बना हुआ, क्यों बना हुआ? क्योंकि एक्सीडेंट ना हो, कोई भी गाड़ी टक्कर ना हो गाड़ी में, इसीलिए यूज करते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। तो वैसे ही जब आप कम्युनिकेशन करते हो, तो कम्युनिकेशन में भी क्या है, वहां भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, वहां भी सेफ्टी की जरूरत पड़ती है कि आपका डेटा कोई दूसरा एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए भी सर्टेन रूल्स बना हुआ है। तो जब भी कोई सिस्टम कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना, जैसे मान लो मैं अपने कंप्यूटर को ही या अपने मोबाइल को ही मैं नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसे मैं एक्सेप्ट करना होता है। कभी भी आप देखोगे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, होते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस, क्यों? ताकि यदि आपको यूज करना है तो ये हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फॉलो करने होंगे, वैसे ही जैसे सेफ्टी रूल को फॉलो करना होता है। तो वैसे ही जब हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कि वो हमारे लिए ही होते हैं, क्योंकि हमारा डेटा सेंसिटिव डेटा हो सकता है, उसको कोई दूसरा एक्सेस ना कर पाए, या दूसरे के डेटा को हम एक्सेस ना कर पाए, इसलिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ सेटअप रूल्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं सिस्टम के अंदर, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। नॉर्मली उसको प्रोटोकॉल कहते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर की बात करोगे तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आईपी। आईपी का नाम सुना होगा आपने, आईपी एड्रेस का नाम सुना होगा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, दैट इज कॉल्ड आईपी। बेसिकली नॉर्मली हम क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोकॉल कहते हैं। आप लोग देखते हो डेली लाइफ में यूज करते हैं प्रोटोकॉल, यू शुड फॉलो द प्रोटोकॉल, ये सुनो। जब भी कोई गलतियां करता है तो ऐसे बोलते हैं ना उसको। हर सिस्टम में, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है। क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन 7 बजे ओपन होता है, स्टार्ट होता है? नहीं सर। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल उसका अलग होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनी है जो रात में भी चलती है, तो वहां के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल होता है। तो कहने का मतलब एंट्री टाइम हो गया, एग्जिट टाइम हो गया, ये सारे प्रोटोकॉल ही तो है ना। तो वैसे ही सिस्टम के अंदर जब भी आप कम्युनिकेशन करोगे, है ना, तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाला सिस्टम, एक तो सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक मैसेज होगा। तो जब भी कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो आप, तो उस सिस्टम में जो कनेक्टेड होते हैं, जैसे रिसीवर हो गया, आपका सेंडर हो गया, उसको भी कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। हाँ, वो भी प्रोटोकॉल ही हुआ, है ना। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, जैसे आप कभी वेबसाइट में कुछ टाइप करते हो, क्या आता है, आप लिखा हो आप HTTP, HTTP ये भी प्रोटोकॉल है। यानी आपको किसी चीज से, किसी के सर्वर से कनेक्ट होना है, तो आप ये प्रोटोकॉल यूज करो। तो बेसिकली ये प्रोटोकॉल बस सिंपल क्या है, सेटअप रूल्स। अब इसमें पूछो उससे डिटेल से बताइए, ये स्पेशली जाओगे तो फिर ये कंप्यूटर साइंस का पार्ट हो जाता है। डिप्ली जाओगे तो ये कंप्यूटर साइंस का पार्ट हो जाता है, उस पर उतना डिटेल में कोई दिक्कत। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? पैकेट, किसी ने बोला। अब देखो, कभी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो कभी आप 2 MB का डेटा ट्रांसफर करते हो, कभी 4 MB का डेटा ट्रांसफर, कभी 1 GB का भी डेटा ट्रांसफर करते हो आप, करते हो या नहीं करते? तो डेटा जब ट्रांसफर करते हो, तो क्या सारा का सारा डेटा एक साथ ट्रेवल होता है क्या? नहीं। जब आपका डेटा का साइज बड़ा होगा ना, तो आप एक साथ सेंड करोगे तो पॉसिबिलिटी क्या है कि कहीं वो क्रैश हो सकता है, और क्रैश होगा तो सारा डेटा आपका क्रैश हो जाएगा, या मान लो कोई डेटा कहीं लॉस हो गया तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा। इसीलिए वहां पे क्या करते हैं, स्मूथली ट्रांसमिशन के लिए हम क्या करते हैं, या सिस्टम क्या करता है, उसको पहले पैकेट्स पर डिवाइड करता है। वो क्या करता है, पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म, है ना, मतलब छोटे डेटा को के फॉर्म में उसको डिवाइड करता है, इसको हम पैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। और देन उसके बेस पे, अब मान लो हो सकता है, अब कभी आपने देखा होगा ना, ऐसा मूवी देखा होगा आपने, एग्जाम्पल देखो, जब किसी क्रिमिनल्स को ले जाती है, सारे एक ही बस में सारे क्रिमिनल्स को नहीं रखते। एक मूवी आपने देखा, हॉलीवुड मूवी देखा होगा, बड़े कुख्यात वहां पे होते हैं, विलन्स होते हैं। तो क्या करता है वो, अलग अलग पाथ से अलग अलग ले जाते, क्योंकि मान लो कोई अटैक भी करे तो एक साथ करेगा, सारा डेटा लॉस हो जाएगा आपका, सारा भाग जाएगा। तो अलग अलग पाथ से क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं, अलग अलग बसेस में उसको ले जाते हैं। ऐसा होता है, क्यों करते हैं? सिक्योरिटी के लिए करते हैं। सर,
यस तो बेसिकली समझ में आया सर, अगर किसी को मैसेज वगैरह को सेंड करते हो वो भी पैकेट का, वो भी पैकेट से फॉर्म मिलेगा। यदि मैसेज का साइज बड़ा है तो वहाँ भी फिक्स है कि इतने, वहाँ भी फिक्स ये है कि यदि आपका डेटा भी इतने के में ट्रांसफर हो सकता है, जैसे उससे ज्यादा बड़ा डेटा होगा तो ऑब्वियसली पैकेट पे डिवाइड करना होगा, कम है तो कोई बात नहीं सिंगल चला जाएगा, ठीक है ना, या साइज पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत। पैकेट्स मतलब सिंपल सी बात, लार्ज डेटा को ट्रेवल करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, ताकि अब देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि नेटवर्क बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, मान लीजिए हमसे हमारे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर तक जाने में डेटा के लिए बहुत सारे पाथ होंगे, है ना। अब उस पाथ में से हो सकता है कि एक डेटा किससे ट्रेवल हो रहा है, बाकी पाथ खाली है, तो हो सकता है जो बाकी पैकेट से उस पाथ से वो रिसीवर एंड पे पहुंच जाए, है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको पैकेट, ताकि जिसके पास जो भी मिलेगा, जिसके पास जो पाथ फ्री मिलेगा वो उस पाथ से ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। फिर वहां पे जब असेंबल होता है ना, तो वहां पे हर एक पैकेट का नंबर होता है, उसके बेस पे वहां पे रिसीवर एंड पे उसको अरेंज कर लिया। यस, मैंने क्या बोला आपको, डिले भी फिक्स होता है ना, तो मान लो अरेंज उसका टाइम लिमिट। यस प्लीज सर, जो पाथ होता है जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं, जो पाथ होता है व्हाट्सएप का पाथ होता है या फिर कॉमन पाथ होता है हर चीज, वो पाथ व्हाट्सएप का नहीं होता है, नेटवर्क जो आपका कनेक्टेड है उसमें पाथ होता है, इंटरनेट का पाथ होता है, प्रोवाइड करता है। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ना, कंप्यूटर नेटवर्क है ना, उसमें टोपोलॉजी होता है, बहुत सारे टर्म्स देखेंगे, है ना। तो जब आप नेटवर्क बनाते हो तो वायर जो होता है ना, इससे हो सकता है वायर लेस भी हो या वायर भी हो, उससे मतलब अपना नेटवर्क हो, अपना नेटवर्क हो, उसमें बहुत सारे व्हाट्सएप तो होंगे ना, हर एरिया के, हर मतलब कंट्री के भी होंगे, हर स्टेट के भी नेटवर्क होंगे, तो सबका अपना अपना लोकल नेटवर्क होता है, फिर उससे भी लोकल होता है, है ना, कंट्री का नेटवर्क अपना होगा, फिर मान लो इंडिया से कोई अमेरिका भेजना चाहेगा, उसके लिए अलग उसका नेटवर्क होगा वहाँ। तो एक्चुअली हर एक सिस्टम के पाथ होता है, और बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। मान लो हमारे सिस्टम, कभी आपने देखा होगा आई थिंक कि कभी मैसेज करते हो कुछ देर के बाद पहुंचता है, ऐसा भी कभी कभी होता है, ईमेल ईमेल पे करेगा, आपने अभी बगल में आपका बैठा हुआ है लेकिन वो आपको लगता है कि मैंने यहाँ इसको भेजा है, बट वो ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअली वो अपने यहाँ से जाएगा लोकल सर्वर के पास, जाएगा लोकल सर्वर से जाएगा वो फॉरेन सर्वर के पास, फिर उस सर्वर से लॉस भी हो सकता है, लॉस। तो उसी के लिए तो मैं बताऊँ, फिर उसके लिए फिर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके एंड टू डिस्क्रिप्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो फिर सेफ्टी नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, पैकेट समझ में आ गया। नेक्स्ट पास ट्रांसमिशन मोड, इसको इसी को मैं डेटा फ्लो भी मैंने बताया था, डेटा फ्लो या फिर ट्रांसमिशन मोड पूछे तो मैंने कई बार बताया है, चलो मैं फिर से बता देता हूँ क्या था तीन ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड की बात करता हूँ, तीन कैसे था, मैंने सॉरी मैं तीन ही बताया था, दो नहीं था, एक था आपका सिंप्लेक्स, याद है यही है ना। चलो मैं आप ही से पूछता हूँ, आप ही लोगों से पूछता हूँ, इसको पता है सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, और हमेशा सेंडर फिक्स होगा, रिसीवर फिक्स होगा, है ना। ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड आई थिंक पूछा था इसीलिए, चलिए कोई बात नहीं, ट्रांसमिशन ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड मतलब सिंपल सी बात है, समझ लीजिए डेटा को कैसे बिखरे तरीके से आप भेज सकते हो, तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो बेसिकली ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन कोई जरूरी है, ट्रांसमिशन भी कैसे। अब देखो डेटा ट्रेवल करोगे आप, तो डेटा जो ट्रेवल होता है सेंडर टू रिसीवर, इसी चीज को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। चलिए ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कहते हैं, मतलब सेंडर टू रिसीवर जो होगा। अब उसमें पूछोगे टर्म, अब पूछोगे सर टर्म है ना कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, तो सिंपल से उस ट्रांसमिशन के लिए जो मीडियम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया या फिर मीडियम। तो बेसिकली ट्रांसमिशन का मतलब टाइम हुआ कि ट्रेवलिंग ऑफ डेटा From one system to another system. कोई दिक्कत? सर इसमें और कोई डाउट? यस सर, इसमें लिखा हुआ है फिजिकल पाथ सर। किसमें? ये सर ट्रांसमिशन मीडियम
देखो ये जब ये सिस्टम बना था ना ये सारी चीजें उस समय वायरलेस कंसेप्ट नहीं थे, अब आजकल हमारे पास वायरलेस का भी कंसेप्ट है, बिना वायर का भी हम लोग ट्रांसमिशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा रेडियो, वो भी तो ट्रांसमिशन ही है ना, वहां भी तो ट्रांसमिशन होता है डेटा का, जो भी वहां से ब्रॉडकास्ट होता है यहाँ पे हम अपने टीवी पे देखते हैं। FM जो भी ब्रॉडकास्ट होता है हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो डेटा ट्रेवल करता है। क्या यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन पाथ है हमारे पास? कोई पाथ नहीं है, फिजिकल पाथ। तो फिजिकल भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, तो उसे डाउट नहीं रखना आप, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब हुआ कि वो तो फिजिकली भी हो सकता है और वायरलेस का, तो जैसे रेडियो वेव्स है ना, फाइबर ऑप्टिक्स, वो फिजिकल हो गया ना। यस, और कोई डाउट किसी को? ई गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज होती है, आपने देखा है कौन कौन सर्विसेज? आपने कभी आधार कार्ड बनाया है? और भी बहुत सारी चीजें जो आप फॉर्म अप्लाई करते हो, बहुत सारी स्टे करते हो, है ना। तो ये जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है ना, यदि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होता है उसी को ई गवर्नेंस, ठीक है। यदि गवर्नमेंट जितने भी सर्विसेज है आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो गए, ऑनलाइन हो गए, उसी को ई गवर्नेंस। मतलब कि आप गवर्नमेंट के सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं? जैसे आप आजकल आप अप्लाई करते हो ना, रेजिडेंसशिप पे अप्लाई करते हो, कैसे करते हो आप? सिंपली टाइप करते हो, आजकल मेल भी आ जाता है आपको, ऐसा भी होता है बहुत केस में, है ना। तो बेसिकली ये सारे क्या है आपके ई गवर्नेंस को बोलते हैं। आप पूछोगे ई लर्निंग क्या है? तो लर्निंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई लर्निंग। ई बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग मतलब बैंकिंग सर्विसेज। हम पहले यूज करते थे ऑफलाइन मोड में, फिजिकली बैंक जाते थे हम लोग, है ना। बट आजकल क्या करते हैं, बहुत सारी स्पेशल सर्विसेज ऐसी है जो हम घर बैठे भी अभी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो। यस, कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना अकाउंट में, सारा चेक कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो। ये सारी चीजें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से है ना, ई बैंकिंग। ई लर्निंग समझ में आ गया, ई बैंकिंग समझ में आ गया, ई गवर्नेंस मतलब वही चीज। जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो सारे आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे अच्छा है, जैसे एक आपने इसमें गेटवे का नाम सुना होगा, पेमेंट गेटवे का नाम। जब भी कोई पेमेंट करते हो ना, तो मान लो हमारे पास कोई SBI का अकाउंट है, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अब जब ट्रांसफर करो, क्या वो सेम, क्या सेम नेटवर्क है वो? बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग नेटवर्क होगा, SBI का अलग नेटवर्क होगा। और जब वहां पर डेटा ट्रांसफर होता है, रुपया भी क्या हो, डेटा एक मनी ट्रांसफर जो कहते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं हो पॉसिबल है, उसके लिए कोई थर्ड वन वहां पे होना चाहिए, थर्ड पार्टी जो दोनों को कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, एंड देन उसके बाद आपका ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग पेमेंट गेटवे कहते हैं, पेमेंट गेटवे कहते हैं। तो जो आप जो शूट करते हैं ना, वहां पर लिंक करते हो, वो पहले से लिंक होता है, ताकि जब भेजना चाहो तो आप वो चीज आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज का सिस्टम दिया गया है सर, ATM के साथ किसी अदर ATM से किसी अदर बैंक के कार्ड से निकाल सकते हैं। हां, तो वहां भी कुछ सी चीजें होती है। ATM में सारा बैंक कैसे आ रहा है? पेटीएम के अंदर सारा बैंक कैसे आया? पेटीएम सारा लिंक किया हुआ है। बोले पेमेंट गेटवे जो है, पेमेंट गेटवे जो के पास सारा इंफॉर्मेशन होता है, जैसे पेटीएम भी अपना एक, उसका भी अकाउंट, उसका भी बैंकिंग सर्विस, उसका भी अपना नेटवर्क होगा या नहीं होगा। तो अब जब भी मनी ट्रांसफर होगा तो उसको पता है ना कि कस्टमर हमारे किसी बैंक से किसी बैंक में ट्रांसफर कर रहा है, तो पहले से वो सारा का लिस्ट अपने सिस्टम में अटैच हो गया। और कोई डाउट? अब देखो
सिंपल सिंपल सी बात, देखो आप ही सपोज करो आपने ही कोई ऐप बनाया, सपोज एप्लीकेशन बनाया, सपोज तो आप क्या सोचे बनाओ, क्या एसपीआई वाला ही केवल कर सकता है? तो आपको ये सोचो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं सारे फंक्शंस में दे दें ताकि कोई भी किसी भी मोड से ट्रांसफर कर सकता है। कन्वीनियंस फॉर द यूजर क्या होना चाहिए? कन्वीनियंस। अब मान लो आप ही देखो ना, यदि रुपया भेजना इतना मुश्किल हो जाए, ये फिल कीजिए, वो फिल कीजिए, वो फिल कीजिए, तो आदमी बोले ठीक है मैं फ्री होके करूंगा, स्टेट पर ट्रांसफर हो पाएगा क्या? पर आजकल क्या है आपके पास यूपीआई ऑप्शन है, वन क्लिक का। आजकल क्या है यूपीआई ऑप्शन, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा था ना जियो और एयरटेल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, यस सर, यस सर, जियो से एयरटेल क्या देखा था, जियो कॉल नहीं करता था, ऐसा देखा था क्या, रुपया कटता था ऐसा, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, नुकसान दोनों का है ना उस पे, यस सर। आज मान लो जियो वाले नंबर यदि एयरटेल पे कॉल नहीं करेंगे ना तो एयरटेल वाले भी इस पे नहीं कर सकते, नुकसान दोनों का है ना, फिर बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना, जब वो चार्ज लेगा तो वो भी पे चार्ज लेगा, फिर आप फिर उसमें प्रॉब्लम क्या हो, किसी को भी नुकसान हो सकता है। मान लो मेरे पास एयरटेल पुराना नंबर है, मैं एयरटेल ही रखूंगा, समय चार्ज ले रहा है, अब सामने वाला भी एयरटेल ही रखेगा वहां पे, तो नुकसान सबको था ना वहां पे, तो उन्होंने क्या किया, सिस्टम को हटा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यूजर का कन्वीनियंस, यूजर को यदि डिफिकल्टीज होंगे तो वो फिर उस चीज को नहीं समझ सकता। मतलब क्या पेमेंट ट्रांसफर आप मोबाइल पे आपको आने लगा नहीं है ना, वो जो नेटवर्क है वो जान किया जान स्टार्टिंग नहीं करना, वो उसकी मैटर है, बट क्योंकि वो 4G जो हुआ था आपका फ्री कर दिया, अभी तो 5G के ट्रायल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन एक चीज है आज आप इतना सस्ता इंटरनेट देख रहे हो सर्विसेज, शो कैसे पॉसिबल है? तो आज आप भी 500 में 1GB खरीदते हो, पहले लोग इंटरनेट यूज करते थे लेकिन पॉसिबिलिटी क्या था, वहाँ पे यूज किया और सीधा बंद, मतलब यूज कर लिया नेटवर्क, यूज किया डेटा ऑफ, आजकल एप्लीकेशन आपके पास देखते हैं, आप उसने भी देख लिया, सिस्टम में भी देख लिया, आज फ्री है इंटरनेट, सस्ते है ना बहुत, सस्ते है ना बहुत, पहले हर एक चीज के परमिशन मांगता था आपसे, आज का बैकग्राउंड में भी अपडेट हो जाता है, वो डेटा आपका खा जाएगा, यस सर, बहुत लोग ऑफ करते हैं, पॉसिबिलिटी था, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के साथ। अभी देखो व्हाट्सएप की एग्जांपल करते हैं, क्या नेटवर्क रहेगा, क्या आपको मैसेज मिल जाता है क्या? सर व्हाट्सएप का इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है, इसके लिए नेट सिग्नेचर होना जरूरी है ना, तभी तो हो पाएगा इंस्टेंट कनेक्शन कम्युनिकेशन, तो इसके लिए क्या है नेट आपका ऑन होना चाहिए, नहीं तो वही होगा ना, जब ऑन करोगे तभी आपको मैसेज मिलेगा, फिर क्या फायदा, लोग पहले ऐसे ही करते थे ना, ईमेल लोग दिन में एक बार दो बार चेक करते है ना, क्या मैसेज आया, आजकल लोग व्हाट्सएप 100 बार चेक करते, ये
क्योंकि उसको पता है जो उसने भेजा होगा और वो भेजने वाला भी इशू उसके मैसेज करता है उसको कि वो तुरंत देख लेगा। ईमेल कोई करता है आजकल क्या? जब ऑफिशियल टास्क होते हैं तभी है ना, अदरवाइज वो करता है यूज करता है। ये व्हाट्सएप क्या आपका इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है, इसीलिए लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? एनीवन प्लीज। यस, हाँ, पेमेंट गेटवे। देखो पेमेंट गेटवे क्या है ना, इसलिए मैंने क्या बोला आपको कि जब डिस्ट्रिक्ट पहले गेटवे को सुनो, इंटरनेट की चीजें जो आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज मतलब टोपोलॉजी, उसके बाद बताऊंगा कि इंटरनेट से कौन कौन से आपके हार्डवेयर यूज होते हैं उसमें है ना, सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं, तो उसी में गेटवे चलवा था। गेटवे मतलब गेटवे का यूज क्या है? अच्छा ये बताओ गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बना, ये बताओ, उसी से लॉजिक समझ में आ रहा है। इंडिया का मेन दरवाजा माना जाता था कुछ नहीं के लिए, हां ऐसा नहीं है, वही वही कांसेप्ट है ना कि जब किसी दूसरी जगह से किसी दूसरी जगह में एंटर करते हैं ना, यही होता है। तो यहां भी होता है कांसेप्ट कि जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हम सिंगल नेटवर्क में जब ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पेमेंट गेटवे यूज करते हैं। अब चूंकि ये पेमेंट के लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेमेंट गेटवे। तो जब भी डिसिमिलर नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन सर्विस होगा, डिसिमिलर मतलब क्या, जैसे मान लो कि हमारे पास अकाउंट क्या है, रुपया हमें भेजना, मेरे पास अकाउंट एसबीआई का, मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में भेजना है, तो यहाँ पे मैं रुपया पेमेंट भेजूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नेटवर्क अलग है, उसका नेटवर्क अलग है, और दोनों में हम क्या करें, कम्युनिकेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर ही कर रहे हैं, जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए क्या होगा, पहले कनेक्शन तो होना चाहिए ना। उसी कनेक्शन के लिए क्योंकि नेटवर्क अलग अलग है, ये एसबीआई का नेटवर्क है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा का नेटवर्क है, तो उसके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आप कॉल करोगे उसका डिफरेंस पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा आपको, जब भी आप चेक से जमा करते हो तो कैसे होता है, सेम बैंक होगा तो बस। मैंने क्या बोला आपको, गेटवे का एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। यदि अभी आपने बोला सेम बैंक होगा तो क्या होगा, मान लो सेम बैंक हमारे पास भी चेक जो हमारे पास वो भी एसबीआई का ही है, और हम जिस अकाउंट में ट्रांसफर करने का वो भी एसबीआई का है, आप जाओगे एसबीआई बैंक में इंस्टेंटली वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा, तुरंत वेरीफाई करके वो आपको जैसे ओके करेगा यहाँ से आपके अकाउंट में ट्रांसफर, क्योंकि उसके पास सेम नेटवर्क है, आप किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है। बट जब डिसिमिलर होगा ना तो पहले क्या होगा बताओ, अब उसको पता है ना, जब किस आप जब भी आप चेकबुक करोगे ना, चेकबुक जो उसने आपको दिया है उसका अकाउंट का भी इन्फॉर्मेशन उसके पास, और जिसमें ट्रांसफर हो उसका भी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगा, वो तो चेक करेगा ना, अकाउंट अमाउंट है जो चेक दिया है वेरीफाई कर लेगा और जो उसको ट्रांसफर कर देगा। बट जब अदर बैंक का होगा तो पता वहाँ पे क्या वो ब्रैंडली ट्रांसफर कर सकता है क्या, उसे नहीं पता है कि उस जिस बैंक का चेक है ना उसके अकाउंट में कितना अमाउंट है या नहीं है, उसको पता है क्या नहीं, तो पहले वो वेरिफिकेशन करता है, क्या करता है वो वेरिफिकेशन, और तब जाके वेरीफाई करके वहां से ओके होता देन ये ट्रांसफर। उसमें दो तीन दिन टाइम समय लगता है, आपने देखा होगा, डिपेंडिंग ऑन द बैंक, किसी में एक दिन में हो जाता है, किसी में दो दिन में भी हो जाता है। यस, हैंड टू हैंड वो सेम बैंक में होता है, लेकिन एसबीआई में दो तीन दिन समय लगता है, हाँ उस पर डिपेंड करता है, बहुत सारा डिपेंड करता है कि वर्किंग डे है या नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि वर्किंग डे है या नहीं, मतलब जैसे कि मैंने क्या बोला, बेसिकली डिपेंड करता है बैंक के, कुछ एसबीआई के बात करूं तो वहां पे
पहले
क्लियर है बच्चों? यस यस सर। और कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट नहीं है? हाँ बताइए। मैंने पहले भी बताया था बैंडविड्थ क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द चैनल। बैंडविड्थ क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ द चैनल। कैपेसिटी मतलब क्या? पर सेकंड कितना डेटा ट्रांसफर कर सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्या इसका चैनल होता है? चैनल मतलब पहले लिंक या फिर वो जो वायर, इसको कहते हैं नेटवर्किंग का टर्म है ये सब। यस, और कुछ पूछना है?
ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग टोपोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, टोपोलॉजी टोपोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। और किसी कोई डाउट है? थोड़ा सा पैसेंस रखो, सब क्लियर। Silence please. समझ में नहीं आ रहा था।